एक पर्वत बना दिया आपने, एक माउंटेन सर मैं कह क्रिएट तो कर रहा दिया हूँ है। कि सैंपल्स ही इतने हो जाएंगे कि ओ इतना लोगों के भाई पास माल नहीं होता सर। क्या बात है यार, ये लो सर, ये थोड़ा सा हमने खतरनाक। एक जो बर्थडे पार्टीज के जो बच्चे होते हैं ना बिल्कुल, मैं पता है उसमें करण जोहर बोलने वाला था। मैंने कहा अगर आप कॉफी विद करण में जाना चाहते हैं, अगर बच्चों सर को होता लेकर क्या है ना, के। आज ना जो बर्थडे बच्चे जो पहनते हैं ना, वो थोड़ा सा हटके कुछ पहनना चाहते हैं बिल्कुल कि यार, बच्चे थोड़ा हटके लगे और कलर है ना, कलर भी एकदम डिफरेंट है। एक बस। सर वो अब थोड़ी देर अगर रहे तो मैं दिखना बंद हो जाऊंगा, तो हम इस जी फ्रेम को हटाते हैं, देन हम नेक्स्ट फ्रेम पे आते हैं। आपको अगर आप दिखाना चाहें आज मेरे यहाँ क्या कटिंग हो रहा है, क्या फिनिशिंग हो रहा है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये भी दिखा सकता हूँ कहाँ से फैब्रिक आया, कटा, बना, उसके बाद बटन, रुमाल, ब्रॉच, डिस्पैच तक की जर्नी भी अगर आप देखना चाहते हैं। हे गाइस, दिस इज योर लकी और स्वागत करता हूँ आपका फिर से इनक्रेडिबल ब्लॉग्स में। आज भाई साहब आपको लेकर के आ गया हूँ दिल्ली। बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास में कि यार बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना, बच्चे सूट से प्यार से बच्चों के कपड़े आ ही नहीं रहे यार, बहुत दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो भाई आप लोगों के लिए स्पेशली दिल्ली बुलेट उठा कर लेके आ गया हूँ मैं विकास भाई के पास में। और जब मैं यहाँ पे आया ना, सबसे पहली बात बताता हूँ, जब मैं जैसे एंटर करा ना, मैं क्या कौन सी दुनिया में हूँ, आप कहाँ क्या कैसे क्या कर रहे हो, तो आप ही बता दो आज सब कुछ क्या होने वाला है वीडियो में। मेरे व्यूज को नमस्कार पहली बात तो, और हमारे भाई आज जयपुर से आए हैं स्पेशल बुलेट पे राइड करके। जी बिल्कुल, तो हमने इनका स्वागत इतने सारे ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया डिजाइन से किया है मैंने, पहली बात तो बिल्कुल दादा। और दूसरा आज भाई को जो यहाँ बुलाने का, भाई का आने का मकसद यही है कि जो राजस्थान के जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के लोगों को दिखाना कि जी दिल्ली के अंदर एक ऐसी जगह इन्होंने अभी जो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे किड्स वेयर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कैसे कैसे डिजाइंस वगैरह आप मेरे आसपास देख रहे हैं। मान के चलो अभी मेरे पास 300-350 डिजाइन की डिस्प्ले रेडी चल रही है, जैसे अभी जो हम आपको आज जो व्यू, मतलब बेसिकली आज हमारा वीडियो बनाने का, भाई से आज हमारा पहला वीडियो है। हमारा वीडियो बनाने का हमेशा हमेशा यही मकसद रहता है, थोड़ा सा दिखाते हुए चलते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि हम कभी भी जो है ना ऐसे हाय तौबा नहीं करेंगे वीडियो के अंदर। हमारा जो वीडियो रहता है प्रॉपर गाइडेंस वीडियो रहता है हमेशा के तौर पे, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कोई नया काम कर रहा है उसके लिए भी बिल्कुल, और जो काम ऑलरेडी कर चुका है और जो हम आगे हमसे जुड़ना चाहता है उसके लिए भी जी। हम स्टेप बाय स्टेप सबकी कन्फ्यूजन को दूर करते चलेंगे। और प्लीज़ पहले ही हम बता दें इसको स्टार्टिंग में कि ये वीडियो ओनली होलसेलर जो दुकानदार भाई हैं सिर्फ उन्हीं के लिए रहने वाला है। तो जो मतलब होलसेलिंग का काम कर रहे हैं, चाहे ई कॉमर्स में कर रहे हो, चाहे रिटेल, चाहे ऑनलाइन कर रहे हों, चाहे ऑफलाइन कर रहे हों, चाहे उनकी दुकान हो, चाहे होलसेल हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी बंदा है हमसे जुड़ सकता है इस लाइन के अंदर। आज जैसे आप ये बात कर रहे हैं, डिस्प्ले हम आपको दिखा रहे हैं सामने, ये आपको आज बुलाने का मकसद हमारा यही है कि आज हम आपको किड्स वेयर दिखाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाएंगे आपको, पूरा सैंपल रूम दिखाएंगे, कैसे माल बन रहे हैं, कैसे प्रोडक्शन हो रही है, हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते चलेंगे बिल्कुल, एक चीज़। दूसरी चीज़ होलसेल के लिए वीडियो रहने वाला है। तीसरी चीज़ किड्स वियर 1 to 14 ईयर्स बॉयज ओनली हम लोग आपको आज दिखाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें अगर कोई भी पार्टी हमें ये कहे कि हम सिंगल पीस भी ट्रेडिंग करती है तो जितने मर्जी का माल वो अपनी दुकान में फ्री ले जाए, हमसे हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और ऑल ओवर इंडिया अपन डिलीवर बिल्कुल करते हैं, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर भी हम लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं बिल्कुल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझाते हैं आपको, पूरा एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसके बाद करते हैं स्टार्टिंग। मैं आपको ब्लेजर की रेंज दिखा रहा हूँ, और ब्लेजर के अंदर हम लोग बात करें कि अपने पास, आप मेरे से अगर फैब्रिक के नाम भी पूछोगे ना तो वो भी बताने को मैं तैयार हूँ आपको। ये निटिंग बेस हो गया, कॉटराइज के अंदर हो गया, इस तरीके से ये पैटर्न्स आप एक बार चेक करिए जरा कैसे क्या चीजें हैं, देखिए आप। अच्छा, ये मटेरियल भी एकदम, एक तो सबसे प्यारी बात ये है कि यहीं पे बन रहा है सब कुछ, यहीं पे बन रहा है, रेडी भी यहीं पे हो रहा है। तो सर टोटली कटिंग आप मेरी, अगर आपको, अगर आप दिखाना चाहें आज मेरे यहाँ क्या कटिंग हो रहा है, क्या फिनिशिंग हो रहा है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये भी दिखा सकता हूँ कहाँ से फैब्रिक आया, कटा, बना, उसके बाद बटन, रुमाल, ब्रॉच, डिस्पैच तक की जर्नी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो भी आप मोस्ट वेलकम है, आकर के देखिए। उसके बाद सर हम बात करेंगे इस तरीके के, देखिए जो पैच वाले पैटर्न आजकल बहुत चल रहे हैं, देखिए स्वेट के अंदर, फैब्रिक के अंदर है। ये जितना भी आप मेरा डिस्प्ले देख रहे हैं ये सब मेरा रेडी स्टॉक का डिस्प्ले रहने वाला है, मैं कोई भी सैम्पलिंग में काम नहीं करता। जो ऑलरेडी जो हमारी समर की सैम्पलिंग चल रही है 250-300 पीसों की, जो हमारे पाइपलाइन में चीज़ें हैं, उस तरीके के कोई भी सैंपल यहाँ कभी भी डिस्प्ले हम नहीं करते हैं,
क्योंकि आज अगर आप सपोज आप दुकानदार हैं, आप यहाँ आए, आपने कहा मुझे ये चाहिए, मैं कहूँ जी अगले महीने आएगा, उससे अगले महीने आएगा, तो फिर आपका आने का कोई फायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है रेडी है, पाइपलाइन देखना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं, आगे क्या प्रोडक्शन में आना चाहते हैं वो भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। उसके बाद आप बांध के चलिए, मेरे पास हर एक डिजाइन के अंदर तीन तीन चार चार कलर हो गए, ये पूरा सीरीज में पूरा बटन आने वाला है ब्लेजर के अंदर। कोई भी डिजाइन आप लेते हैं, कभी भी आप कोई भी माल लेते हैं, इस तरीके का पूरा एक्सेसरीज और ये पॉकेट स्क्वायर, पूरा सिंगल पीस पैकिंग आने वाला है हमेशा। तो मतलब एकदम रेडी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। सर स्वेड है मेरे पास, हर एक डिजाइन में पांच पांच छह छह कलर, आप कलर चेक करिए, ब्राउन हो गया, ग्रे हो गया, पीच कलर हो गया, जूट में चेक्स हो गया, देन आपने पास ये कुछ कॉटराइज की आइटम हो गई, देन स्वेड की आइटमें हो गई, निटिंग की आइटमें हो गई, और एक साल से लेकर के 14 साल तक के एम्बोसिंग के अंदर कुछ हमारे पास ये प्लानिंग हम आजकल कर रहे हैं जो। उसके बाद ट्वीट के अंदर हो गया जैसे कि, उसके बाद एक ही फैब्रिक बहुत चल रहा है आजकल, थोड़ा मैट फिनिश के अंदर फैब्रिक रहता है, क्रेप के ब्लेजर्स कहते हैं इसको हम लोग, जो पैच वाले पैटर्न होते हैं, देन स्ट्राइप्स हो गया, मिलिट्री प्रिंट्स हो गया, देन ये देखिए आप थोड़ा सा ये पैटर्न प्रिंट। बिल्कुल सर, मतलब मान के चलिए आपकी मेरे पास ये सब वैरायटी हमेशा रेडी मिलेगी आपको, और मतलब वर्सटाइलिटी आप देख सकते हो इनमें। आज जो व्यू मतलब थोड़ी सी हम बीच बीच में इन्फॉर्मेशन भी देते चलेंगे, हम आपको कोट सूट दिखाएंगे, इंडो वेस्टर्न दिखाएंगे, ब्लेजर दिखाएंगे, जैकेट सूट दिखाएंगे, इन्फेंट कैटेगरी दिखाएंगे, और इन सब की रेडी स्टॉक्स दिखाएंगे। कोई मतलब ट्रेडिंग वाला काम नहीं करेंगे, आगे आने वाला है कपड़ा आ गया बनेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, जो है यही है, जो बना रहा पागल बना रहा है, आगे आएगा बनेगा, वो क्या है कि फैक्ट्रियों में माल बन रहा है वहां से उठा उठा के बेच रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते जी। जो आपको सैंपल दिखाएगा उसका फैब्रिक भी दिखा दूंगा, बटन भी दिखा दूंगा, सब दिखा, सब यही बन रहा है मतलब। तो ये हो गया सर पहला स्टेप, अब हम करते हैं दूसरे स्टेप की तैयारी कोट सूट की। भैया अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग से, थोड़ा सा आप अगर, मैं आपको बताऊंगा अब अपने कोट पैंट की रेंज जो भी है मेरे पास, जो साइजिंग आती है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देते चलते साथ में। अभी हम आपको ब्लेजर दिखाया मैंने, हमारे पास ब्लेजर रहेगा 1 to 14 years, ठीक है, जो भी प्राइसिंग रहने वाली है ब्लेजर की 1 to 5 years एंड 6 to 14 years में हमेशा 100 rupees का डिफरेंस रहने वाला है। रेंज स्टार्ट फ्रॉम 545 rupees, कोई भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं 545 से रेंज चालू हो जाएगी, जो रेंज जाएगी मेरी लास्ट जाएगी वो 845 तक जाएगी लास्ट। जो भी आप मेरा कैटलॉग कभी भी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, उसके अंदर ब्लेजर की जो फोटोग्राफी होगी वो विद टी शर्ट एंड विद पेंट होगी, बट उसमें प्रॉपर नीचे लिखा रहेगा हमेशा कि दिस प्राइस इज विदाउट टी शर्ट एंड विदाउट पेंट, क्योंकि आज हम शूट करते हैं सपोज, तो अंदर तो नहीं, कुछ ना कुछ तो पहनना ही पड़ेगा ना बच्चे को। हाँ, तो ये कभी भी कंफ्यूजन में ना आए कस्टमर हमारे जो भी हैं। बाकी हम बात करते हैं ब्लेजर, हमने आपको दिखा दिया ब्लेजर के, मान के चलिए मैंने आपको 50 एक सैंपल अभी रेडी स्टॉक दिखाया, उसके अलावा मैं ऑन टेबल भी आपको हर एक सैंपल दिखाने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं जी कोट सूट की। अपने पास सर कोट सूट के अंदर ना इस तरीके की चीज़ें रहने वाली है, जो भी गारमेंट रहेगा वो हमेशा 5 piece रहेगा, ठीक है, कोट आ जाएगा, वेस्ट कोट, शर्ट, पेंट, जो भी माल रहेगा वो हमेशा इस तरीके से रहेगा, प्रॉपर पन्नी में शर्टिंग रहने वाली है, प्रॉपर सिंगल पीस पैकिंग आने वाली है। उसके अलावा जो भी दुकानदार हमसे माल लेता है, हमारे यहाँ इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं रहने वाला है। डिजाइन तो सर देखते रहेंगे, हमारा मकसद है सुविधाएं समझाना, बिल्कुल, डिजाइन तो दुनिया बेच रही है, जो सुविधा बेच रही है उससे काम करेगा बंदा हमेशा, ध्यान रखिए, सही बात है, ठीक है। तो सुविधा ये रहेगी माल के अंदर, सपोज आप मेरे से यहाँ से माल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, यहाँ से पैकिंग का जो भी खर्चा आएगा, आज मेरे को मान के चलो मेरे यहाँ से 15 kilometers किसी की ट्रांसपोर्ट है या 2 kilometers है, वो सब मेरी तरफ से खर्चा रहने वाला है। अच्छा, उनको कुछ नहीं देना? कुछ नहीं देना सर, आपने ओनली एंड ओनली माल की पेमेंट होगी, दैट इज इट, नथिंग एल्स। उसके अलावा नो कार्टेज, नो फ्रेट, नथिंग, सिर्फ माल, दैट्स इट, और आपके घर पहुंच जाएगा, माल का जो रहेगा वो आपका रहेगा छुड़ाने का वहाँ पे। सर बात करते हैं थोड़ा सा डिजाइन दिखाते चलते हैं, इस तरह की ग्रीन के अंदर प्रिंट्स आने वाले हैं, ये सब डिजाइन ऑन द टेबल भी रहने वाले हैं, तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर देंगे अब वीडियो को, कि अपने पास एम्ब्रॉयडरी के कुछ पैटर्न हो गए, टक्सीडो हो गया, इस तरीके के अपने पास 3 pieces हो गए, जो भी डिजाइन रहने वाला है सारे के सारे डिजाइन 5 pieces हैं, कोई भी विदाउट वेस्ट कोट, विदाउट किसके नहीं होगा, कैसे कट है पीछे, जो बड़ों में आज के टाइम में पैटर्न चल रहे हैं वो हमने बच्चों में पूरे के पूरे कस्टमर को दिखाने के लिए बनाए हुए, देखिए आप पूरा सभी की चीज़ जो है रेडी स्टॉक रहने वाली है, कोई सैम्पलिंग के पीस नहीं रहने वाले हैं। कोई भी आप डिज़ाइन देख लीजिए, चेक्स में मिलेगा आपको, मैटी में मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा सेल्फ डिज़ाइन मिल जाएगा, देन उसके बाद एक मैटी फैब्रिक, ये बहुत इन है आजकल, ये देखिए फैब्रिक जो है टक्सीडो पैटर्न में है सर, बिल्कुल टक्सीडो पैटर्न मिलेगा, कॉलर पैटर्न मिलेगा। मेरे यहाँ आने के बाद कोई नया दुकानदार है फैब्रिक की नॉलेज लेना चाहता है, कितना मार्जिन लगा के माल बेचना है, दुकान कैसे बनानी है, बार कोडिंग कैसे करनी है, यहाँ पे ट्रेडरों वाला काम नहीं होगा, यहाँ पे सब चीज़ समझा करके ही माल दिया जाएगा हमेशा, ठीक। ये सामने देखिए आप, इस तरीके के सूट हो गया,
कि सभी चीज़ें जो है ना सर आपको अभी ऑन द टेबल में हर एक चीज़ बताऊंगा समझाऊंगा और आपको पूरा गाइड करूंगा कैसे कैसे। अभी देखिए सर वहां से हम चले थे तो यहां से हम पूरा का पूरा यूं घूम करके आ गए। अभी कोट शूट ही चल रहा है सर अपना, कोट शूट खत्म नहीं हो रहा है अभी अपना। ये सामने देखिए पूरा का पूरा एक कोट शूट का वॉल चल रहा है 1 to 5 years 6 to 10 years। तो ये एक प्रॉपर आपने जैसे डमी बना रखा है ये सर? ये जो डमी है ये 5 years के लिए है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है। आज जो मेरी दुकान है ना, ये जो मेरा जो शोरूम बनाया है मैंने यहाँ पे, वो इस तरीके से बनाया है हमने कि कोई भी दुकानदार आता है ताकि उसको ये देखने में पता लग जाए कि उसकी दुकान पे माल लगा हुआ कैसा लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए चेक्स भी आ गया, देन स्वेट की कुछ डिजाइन आ गए, प्रिंट्स में है, चेक्स में है, प्लेन में है। सपोज आज हम बात कर रहे हैं, आज जो वीडियो की डेट मान के चलिए आप 6 फरवरी है बेसिकली, 6 फरवरी के मेरे पास इतने डिज़ाइन कोट पेंट है। तो सोचिए जब सीजन होता होगा तो मेरे पास कितने डिजाइन की डिस्प्ले होती होगी, आप सोच लीजिए। मैं सोच पा रहा हूँ क्योंकि आपके अभी मैंने ये तो आपका एक ही स्टोर है, ये आगे अलग है, पीछे अलग है। ये जो हम अभी प्लानिंग जो आपको दिखा रहे हैं अभी, मैं मान के चलिए फरवरी के जो कुछ सावे बचे हैं वो, देन मार्च ये अप्रैल तक का मेरे पास स्टॉक है। तो सोचिए जो प्रॉपर जो शादियों का सीजन होता है नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर का, तो उस समय हमारे पास कितने डिजाइन रहते होंगे। आप ये उस समय भी आएंगे तो हम एक वीडियो शूट करेंगे दोबारा से। तो ये जो सेगमेंट है सर यहाँ से लेकर के पूरा वहां से लेकर यहाँ तक कोई भी डिजाइन आप निकाल कर, एक बार ये डिजाइन देखो भैया आप जरा, एक बार थोड़ा सा पास ला के आप डिजाइन को दिखाइए जरा कैसा लग रहा है एक बार। ये स्वेड में है ना? स्वेड के अंदर है, डिजाइन खुद सर बोलता है। आज हम ज़्यादा चीखना चिल्लाना करे वीडियो के अंदर, ऐसा कर दो वैसा बना दिए, कुछ नहीं रखा सर ऐसा चीज़ों में। तरीके से वीडियो बनाएंगे, समझाएंगे और तरीके से गाइड भी करेंगे और माल भी देंगे। ये सारे पैटर्न जितने भी मैं देख रहा हूँ ना, उनमें मेरे को एक चीज लग रही है, जैसा बड़े पहनते हैं ना सूट, सब रेडी स्टॉक है सर, फंकी में। तो सर ये हमने जो सेकंड कैटेगरी क्लियर की है, पहली कैटेगरी हमने जो वीडियो बीच में से भी कोई कोई चालू कर देता है कभी कभी, पहली कैटेगरी हमने ब्लेजर की करी, सेकेंड हमने कोट सूट की करी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंडो वेस्टर्न की कैटेगरी, देन हम करेंगे जोधपुरी की कैटेगरी, देन वेस्ट कोट करेंगे। उसके बाद ये सभी चीजें हम लोग न्यू बॉर्न टू 1 year में भी करने वाले हैं आज, ठीक है। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले फ्रेम। तो सर सेकंड फ्रेम के बाद हम आ गए हैं अपने थर्ड फ्रेम के ऊपर, और थर्ड फ्रेम में हम लोग बात करेंगे इंडो वेस्टर्न की। थोड़ा सा मैं भाई अगर आगे आएंगे थोड़ा सा अंदर, हमारे पास डिजाइन जितने हैं कि वो छुप जाते हैं, आधे डिजाइन तो हमारे दिख ही नहीं पाते हैं। तो मान के चलिए कोई टर्कवाइज कलर हो गया, देन ऑरेंज हो गया, देन इस तरीके के सीक्वेंस के पैटर्न बहुत चल रहे हैं आजकल इंडो वेस्टर्न के अंदर, देन उसी में ब्लैक हो गया, नेवी हो गया, देन थोड़ा सा आजकल लोगों को चाहिए होता है हल्का सा लाइट शेरवानी चाहिए, लाइट वेट में चाहिए, बहुत ही मिनिमम सी रेंज है, 450 rupees से स्टार्टिंग चालू हो रही है इसकी। तो उसके अंदर भी अपने पास शेरवानी मिलने वाली है इस तरीके से, देन उसी में एक और कलर हो गया, देन बंद गले का कोई पैटर्न हो गया, देन थोड़ा सा जो जिसके घर में शादी रहती हैवी बच्चा जो पहनना चाहता है वो है, देन इसी में 2 shades हो गए, देन कुछ प्रिंट्स के कंसेप्ट हो गए इस तरीके के, डिजिटल प्रिंट्स बहुत आजकल लोग लाइक कर रहे हैं, सेलिब्रिटी से इंस्पायर होके लोग थोड़ा सा प्रिंटेड और इस चीज़ों पे भी जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सर छोटा सा मेरा एक इंडो वेस्टर्न का सेगमेंट है, और इंडो वेस्टर्न सेगमेंट के बाद हम वीडियो को पॉज नहीं करेंगे बार बार, अब हम डायरेक्टली चलेंगे अपने वेस्टकोट सेट के ऊपर। इस तरीके के सर देखिए ये सब एक बार डिज़ाइन देखिए आप सर, इसमें साथ में एक्सेसरीज भी आपने लगा रखी है, चेन हो गया, ये सब ब्रोचेस हो गए, सब कुछ जो आपको प्राइस कोट किया जाएगा वो सिंगल पीस कवर पैकिंग इंक्लूडिंग ऑल डिलीवरी चार्जेस, उसके बाद सिंगल पीस पैकिंग रुमाल ब्रॉच कवर हैंगर स्टिकर सबके अंदर पैंट भी डला हुआ है प्रॉपर हैंगर समेत, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दिखाया हैंगर में और पन्नी में पैक करके दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर, जो है सामने है मान के चलिए। अब जो इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो अगले महीने जब भी आप आएंगे वो हम शूट करेंगे, उसमें हमारे कुर्ते पजामे इंडो धोती कुर्ता और मान के चलिए आप जैकेट सूट की बहुत सारी रेंज, तो बेसिकली वो सब पाइपलाइन में चल रही चीज़ें, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग नहीं है कि जी जिसके सैंपल बने उसके ला करके माल बेच दिया, जैसे वो चीज़ें स्टॉक में आती हैं तो आपको फिर गाइड करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी वेस्टकोट की वीडियो। ये मान के चलिए सर थोड़ा सा मेरा छोटा सा अभी वेस्टकोट सेट का जो हल्का फुल्का जो वेस्टकोट हमारे पास चल रहा है इस तरीके से देखिए आप, कोई भी आप पैटर्न निकाल के देखने चाहेंगे ना सर, ये लोग इस माल को जो है डब्बे में बेचते हैं, बट हमारे यहाँ ये जो कड़ी देखिए आप, वेरी नाइस सर, कोई भी डिज़ाइन है वेस्ट कोट का 1 to 10 years रहने वाला है, कोट सूट और वेस्ट कोट सेट सॉरी क्या कहते हैं ब्लेजर जो है 1 to 14 years रहने वाले हैं। ये सामने तक मेरा पूरा ये वेस्ट कोट सेट का सेगमेंट है पूरा ही, ये पूरा का पूरा वेस्ट कोट सेट का रेडी स्टॉक है मेरे पास। कोई भी कस्टमर आता है हम लोग अब
एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दे रहे थे स्टार्टिंग में, हम लोग दिल्ली के अंदर रिठाला में हैं, रिठाला मेट्रो स्टेशन। आप अगर मेरे चैनल पे एक वीडियो देखेंगे मेरा, रिठाला मेट्रो स्टेशन से मैं खुद सर वॉकिंग गया था। हम मेट्रो स्टेशन गए, हमने मेट्रो स्टेशन से वहाँ पे कैमरे को लाइव ऑन कर दिया बिल्कुल। 8 मिनट के अंदर लोग कहते हैं कि जी मेरा कहीं पे 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है, वहाँ जाते हैं लोग तो आधा आधा पौना पौना घंटा लग जाता है पहुँचने में। कभी वो कहते हैं जी जाम, हमने ये थोड़ी कहा था कि जाम लग जाएगा रास्ते में, तो कुछ ऐसा भी वहाँ। सर मैं वहाँ गया, ना मैंने रिक्शे का इस्तेमाल किया, ना मैंने बाइक ना गाड़ी का, मैं वहाँ से पैदल चला और मैं मात्र 8 मिनट के अंदर अपनी फैक्ट्री पहुंच गया था। बिल्कुल, मेरे को भी इतना ही वॉकिंग डिस्टेंस है प्रॉपर दिल्ली में, सॉरी मेट्रो से, रेड लाइन का लास्ट मेट्रो स्टेशन है रिठाला, वहां से आप आइए। हमारा सिर्फ एक ही नंबर है होलसेल का, इंक्वायरी का, 8383995498। दोबारा बता देता हूँ, 8383995498। उसके अलावा कोई भी वीडियो पे कमेंट करता है अपना नंबर, उनको कॉल्स आते हैं मेरे अकाउंट में, ये आप अगर मेरी वीडियो कॉल करे के पेमेंट डालना चाहते हैं तो डालिए, शोरूम देखना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं, बिना बात के किसी फ्रॉड के चक्कर मत पड़ना जी, आपके पैसे भी खराब जाएंगे और आप परेशान भी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है आपका जो विश्वास बना हुआ यूट्यूब पे वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी थोड़ी सी जोधपुरी की कैटेगरी। बिल्कुल, ब्लेजर दिखाया सर, कोट शूट दिखाया, इंडो वेस्टर्न दिखाया, वेस्ट कोट शर्ट दिखाया, अब आ जाते हैं जोधपुरी के ऊपर। आइए देखिए थोड़ा सा, जोधपुरी में ये आपको प्रिंटेड भी मिल जाएगा, रहने वाले हैं, बंद गले का पूरा ये माल है अपने पास। ये देखिए सर किस तरीके से, ये एकदम वही पैटर्न्स है जो आप बड़े लोग पहनते हैं, तो उसी पैटर्न में आपको एकदम जैसे आप सेम बड़ा पहन रहे हो तो छोटा भी आप पहन सकते हो, बच्चों को पहना सकते हो। ये देखिए आप पूरी की पूरी है इंडो वेस्टर्न की कैटेगरी है, कोई भी आप डिजाइन निकाल के देखना चाहते हैं ये सब रेडी स्टॉक रहने वाले। ये सब जितने भी सैंपल्स है ना सर, ये मैं आपको भी प्रॉपर अपने काउंटर पे पूरा दिखाने वाला हूँ, विद फैब्रिक, ब्रॉच, एक्सेसरी, रुमाल, एवरीथिंग। बिल्कुल, तो सर ये हो गया शोरूम का ओवरव्यू। अब हम जो नेक्स्ट टारगेट कर रहे हैं अपना, वो टारगेट हम करेंगे अपना ऑन द टेबल सैंपल्स के ऊपर, फिर उसके बाद एक इन्फेंट की कैटेगरी और दिखा दें। तो अब हम आपको जो है चालू कर रहे हैं कुछ सैंपल्स दिखाना, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग के अंदर जी, कि हम लोग सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं दिखाएंगे, सैंपल्स भी दिखाएंगे। तो चालू करते हैं, तो मान के चलिए सर पूरा ही अब ये यहाँ तक भरने वाला है, थोड़ा सा सामने ले आइए सर। अब हमारा वॉइस से भी काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब हमें लोग कम देखना पसंद करेंगे, सैंपल देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये जो भी चीज़ें सर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इस तरीके की ना वेस्ट कोट शर्ट रहने वाले हैं, कोट सूट रहने वाला, सॉरी। आप प्रॉपर फिनिशिंग चेक करिए, 1 to 10 ईयर, 1 to 14 ईयर, 1 to 5 ईयर, ये सारी सैंपल्स की कैटेगरी है। ये देखिए आप, ये प्रॉपर रेंज जो है ना, मान के चलो आप रेंज के लिए आपको पूरा अपनी शॉप का कार्ड वार्ड भेजिए आप। इस तरीके से सैंपल रहने वाले हैं, टक्सीडो पैटर्न है, देन ब्लैक में हो गया, 3-3, 4-4 कलर रहने वाले हैं हर एक चीज़ के अंदर। और सैंपल्स मैं आपको टेबल पर पूरा दिखाने वाला हूँ, कोई भी आप डिज़ाइन देखेंगे, जो भी आप सामने जितने सुंदर दिखाई दे रहा है डिज़ाइन, उतना ही अंदर से भी दिखाई देगा। ये देखिए आप सर, कलर कोई ऐसा कोई अपने मन में कोई कलर चूज़ कर लीजिए, और एंड में अगर आपको कलर ना मिले ना तो मुझे बता के जरूर जाना, मैं अगली बार वो बना के रखूँगा माल आपके लिए। जादूगर है सर आप। ये सर वाइन कलर हो गया, ग्रीन हो गया, नेवी हो गया, आप स्टेप बाई स्टेप चलाते चलिए। जैसे ये डिज़ाइन रखा है सर, आप देखिए ज़रा, तो इस डिज़ाइन को आप पूरा का पूरा जो है ना, कहीं से भी आप पूरा चेक करके देखिए ज़रा, कहीं तो भी ये आप मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है। ये सूटिंग फैब्रिक लगा हुआ है इसके अंदर, सूटिंग के अंदर ही बहुत सारी ग्रेड्स होती हैं, मान के चलिए आप 250 रुपये मीटर फैब्रिक से लेकर के 700-800 रुपये मीटर तक के फैब्रिक का इसमें पूरा इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप एक सपोज 1000 रुपये वाला पीस ले रहे हैं और एक 1500 वाला पीस ले रहे हैं, उसके अंदर एक डिफरेंस होगा कि मान के चलिए सिर्फ फैब्रिक के अंदर फ़र्क आएगा, किसी में फैब्रिक हल्का लगा हुआ, किसी में अच्छा लगा हुआ है। फिनिशिंग के अंदर 1000 रुपये वाले पीस में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ना ही 1500 वाले या 2000 वाले पीस में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सिर्फ एक फैब्रिक जो मेन जो रोल करेगा प्ले, जो कॉस्टिंग प्ले करेगा फैब्रिक, उसकी वजह से थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा प्राइसिंग के अंदर। ये सर हमने कोट सूट आपको दिखाया अभी, सर मान के चलो अभी कोट सूट के सैंपल ही चल रहे हैं। देखिए आप, यार पता है मेरे को बेस्ट चीज एक और क्या लग रही है इसके अंदर आपके ना सब सैंपल्स में ना, एक तो ये जो पॉचेस लगे हुए हैं ना, एक्सेसरीज का ही प्ले रहता है आज बच्चा, ये कोई बहुत ही प्यारे प्यारे लगा रखे हैं आपने। देखिए सर सब पे अलग है, स्टार है, साइकिल है, सीजर है, अगर कुछ क्रिएटिव नहीं करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे मार्केट के अंदर, तो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे कौन आएगा सर। अनदर ऑलिस पे ये लीजिए, पूरे एक्सेसरीज वगैरह देखिए सर, थोड़ा सा आगे माल चलने वाला है, लिनन फैब्रिक के अंदर। प्यार ना हो जाए तो पैसा वापस। ये देखिए सर पूरा डिजाइन ही सर हम दिखाते चलेंगे, किसी भी डिजाइन की आप सर देख रहे होंगे, मैं पूरी वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं किसी भी डिजाइन की ना तारीफ नहीं करूंगा,
क्योंकि सर वो तारीफ वाला माल अपने आप ही टेबल पे दिख जाता है। बिल्कुल, वो व्यूअर्स का बिल्कुल पीओवी है कि वो कैसे देखते हैं उसको। मैं वही कह रहा हूँ सर, मैंने आपने आज आप मेरी पहली वीडियो बना रहे हैं, आपने एक बार भी मुझे ऐसा नहीं कहा होगा कि इतने में बेच दूंगा, इतने में जो मेरी कॉस्टिंग है, जो मेरा मार्जिन है वो मुझे दे दो, दैट्स इट, मुझे वही चाहिए। सुविधाएं मेरे से जो सबको दे रहा हूँ वो आप लोग ले लो, दैट्स इट, यही कह रहा हूँ। सर अभी ये सैंपल ही चल रहे हैं, आप देखते रहिएगा, हमारे लोग इतना माल नहीं बनाते जितने हमारे पास सैंपल होते हैं। ये लीजिए, चलते रहेंगे सर, ये रुकेंगे। मतलब 20-30 हज़ार कैटलॉग तो आप ऐसा मान लो कि नॉर्मल है। सर देखिए, हर सीजन के अंदर हमें 40-50 हज़ार पीस बेचने होते हैं, उसके बाद सैम्पलिंग है, रेडी स्टॉक्स है, उसके बाद समय से माल देने भी हैं लोगों को, सिर्फ सैंपल ही सैंपल नहीं दिखाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया टक्सीडो से लेकर के सिंपल सूट, बो वाले, टाई वाले, कोई भी डिजाइन, देखो भाई कोई भी डिजाइन यहाँ लाओ पास में और अंदर से भी दिखा दो, बहुत ही बढ़िया पूरा पल्ला। सब में आपको है ना, एक तो अलग अलग डिजाइन मिलेगी, अलग अलग पैटर्न है, कलर मिलेगा, मटेरियल अलग है, और उसके अलावा सर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, अपने लेवल से माल लेना चाहता है मुझसे, अपनी ब्रांडिंग कराना चाहता है, या चाहता है कि वो जहाँ जिस जगह बेच रहा है वो वही उसी जगह बेचे और पूरा अपनी सर्विसेज का फायदा उठाए, तो वो भी कर सकता है, कोई नहीं है। तो आप लेबलिंग कर देंगे सर, प्रॉपर ब्रांडिंग होगी उसके नाम पे, प्रॉपर उसका फर्म रजिस्टर करा के देंगे हम लोग, उसके हैंगर पे, कवर पे, हर एक चीज पे ब्रांडिंग होगी, और वो उस तरीके से अपने जहाँ भी वो काम करना चाह रहा है बहुत ही लंबे समय तक काम कर पाएगा। बिल्कुल। तो भैया इस बात पे तो लाइक बनता है वीडियो पे, फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इनमें से देखते जाओ। डिजाइन आपको अच्छा लगा जो आप चाहते हैं कि आपके आसपास की दुकानों में आपको मिले और आपके बच्चे इस तरीके डिजाइन पहने, तो एक लाइक बनता है भाई की वीडियो पे। बिल्कुल, ये तो भैया एक पर्वत बना दिया आपने, एक माउंटेन क्रिएट कर दिया है। सैंपल भी इतने हो जाएंगे कि इतना लोगों के पास माल नहीं होता सर। क्या बात है यार, ये लो सर, ये थोड़ा सा खतरनाक, एक जो बर्थडे पार्टी के जो बच्चे होते हैं ना, मैं पता है करण जोर बोलने वाला था, मैंने कहा अगर आप कॉफी विद करण में जाना चाहते हैं, अगर बच्चों को लेकर आज ना जो बर्थडे पहनते है ना, वो थोड़ा सा हटके कुछ पहनना चाहते हैं। बिल्कुल यार, बच्चे थोड़ा हटके लगे, और कलर है ना, कलर भी एकदम डिफरेंट है, एक वो थोड़ी देर अगर रहा है तो मैं दिखना बंद हो जाता हूं, हम इस फ्रेम को हटाते हैं, देन हम नेक्स्ट फ्रेम पे आते हैं। ये हमने सूट की आपको चीजें दिखाई है, 1-14 ये सब कुछ रहने वाला है, फिर से बता देता हूँ, 1-14 ईयर्स हैं, रेंज चालू होने वाली 995 रुपये से जाने वाली है 1495 तक, सब कुछ होल सेल में रहने वाला है। और भाई आपके पास जब वीडियो आप डालें तो प्लीज़ नीचे फॉर होल सेल ओनली लिख दीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता है, कस्टमर परेशान होते हैं, फ़ोन करते हैं और हम उनको चीज़ें नहीं दे पाते हैं। तो सर अभी बात करा हमने कोटशूट का, अभी 2 मिनट पहले आपने देखा होगा, बहुत बड़ा ऐसे झप से निकल गया सब, बाहर से निकल गया, तो हमने ऐसे किया और सब माल भी गाया, नया माल इन। अब सर हम आपको दिखा रहे हैं वो ब्लेजर्स दिखा रहे हैं हम लोग, सेम साइज सेगमेंट रहने वाला है 1-14 ईयर्स ब्लेजर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, सर स्वेट फैब्रिक है सब, ये देखिए आप कोई भी पैटर्न आप देखिए सब, ये आजकल जो है ना आप अच्छे अच्छे ब्रांड का हम वीडियो में नाम नहीं लेंगे कभी भी किसी ब्रांड का, तो ब्रांड का जो टेस्ट रहेगा ना सर उसी तरीके का ही माल मिलेगा आपको यहाँ पे। सबके अंदर कलर देखिए सर, कितने प्यारे प्यारे कलर हमने, बिल्कुल यार कलर क्या है इसका, लुक इतना प्यारा लग रहा है, पूरा का पूरा देखिए सर, मैटिंग फैब्रिक के अंदर है अपने पास, ब्लैक जो बेसिक मेरा एवरग्रीन चलता ही चलता है, काफी खूबसूरत और ब्लेजर्स। ये लीजिए सर, चेक करते चलिए आप, दो दो कलर रहने वाले हैं, किसी किसी के कलर हम साथ में भी डाल देते हैं, ये देखिए, क्या बात है यार, कलर के साथ में आपको जो कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जो भी आप स्कीम देख रहे होंगे ना, कोई भी वो वाला फैब्रिक नहीं है जो सूट में इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसकी पूरी निटिंग और इसकी जो वीविंग है, इसकी जो क्वालिटी है, जो इसमें फैब्रिक इस्तेमाल करे गए हैं, वो सब लेटेस्ट और अपडेटेड फैब्रिक इस्तेमाल करे गए हैं, जिसके कारण इसके अंदर फिनिशिंग अलग ही लेवल की हो जाती है। मतलब कोई कस्टमर ऐसा भी कभी कभी होता है कि वो कहता है कि जी नहीं जी, हम तो जो कोट पैंट का ऊपर का कोट है वो पहना लेंगे, बट सर वो उसमें ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी ना, पैचेस वाले पैटर्न जो बहुत ट्रेंड के अंदर है, कलर देखिए आप पूरा का पूरा, जब यार फिनिशिंग बहुत ही प्यारी है यार, मतलब बड़ों की नहीं आती ऐसी, बड़े ब्लेजर ईजी देता है जबकि उनकी फिनिशिंग देना है ना, मेरे पास 1-14 ईयर्स हमेशा इस तरीके के रेडी स्टॉक मिलने वाले हैं, कोई भी आप डिज़ाइन देखिए, आप चेक करिए ब्लैक पैंट्स के ऊपर क्या इसका क्लास लगने वाला है, ये सब चीजें जो है ना बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन, सैंपल ही चल रहे हैं अभी, माल नहीं है ये माल तो बाकी है अभी, सही सैंपल ही सैंपल है,
मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि माल नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये रेडी स्टॉक है सारी, ये सब पीठ के अंदर आ गया। भैया दोबारा दूसरा माउंटेन बनने के लिए रेडी है। हमारे कोई ये मकसद नहीं है कि एक के अंदर तीन क्यों डाल रखे। लोग कहते हैं नहीं जी सारे अलग अलग करो। कभी लोग क्या करते हैं सर, आजकल क्या करते हैं, इसी के 10 साइज दिखा देंगे माल के लिए कि हमारे पास इतना माल है। अरे सर फैक्ट्री चलो अंदर दिखा के लाता हूँ आपको, अभी मैं अपनी तीनों चारों मंजिल घुमा के लेके आता हूँ। फैक्ट्री भी अपन देखने वाले हैं जल्दी कि ये जो ये असले बारूद बन रहे हैं ये बन कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये हुआ ब्लेजर का सेगमेंट, ब्लेजर का पीस थोड़ा सा नीचे रह गई हमारी, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर ही हम लोग आपको इंडो वेस्टर्न्स भी दिखा दे फटाफट से। इंडो वेस्टर्न्स देख लेते हैं, सैंपल्स इतने सारे हैं भैया। क्या है ना कि बहुत लिमिटेड शादियां हैं अभी आगे आगे ना, तो मैं इंडो वेस्टर्न की तो बहुत हल्की मान के चलो, आप मेरे लिए हल्की भी क्या होती है, 10-12 डिजाइन मेरे लिए हल्के होते हैं एक्चुअली। 10-12 डिजाइन मैं आपको भी दिखाऊंगा, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट टारगेट करेंगे पूरा इंडो वेस्टर्न को हम लोग क्लियर करें, पहले इंडो वेस्टर्न क्लियर करके देन हम लोग अगली चीज पे आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो आपके वहाँ पे जो वीडियोस लोग देख रहे हैं आपके, जो आपके वहाँ के लोग फैन फॉलोइंग है आपकी और जो आपको वहाँ देख रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा अपने हमारे बारे में बताइए कि पर्सनली आपको बिना किसी, मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको आते ही वीडियो में ये बोला था कि जैसे मैंने एंटर किया ना, एक तो आपके इस गेट के बाहर अलग डिस्प्ले अलग चल रहा है, एक आपके इस गेट के उधर अलग। एक बम फोड़ना तो हम भूल ही गए। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, सैंपल्स सब चलते रहेंगे, ये सब तो सब कैटलॉग में सब डला हुआ है, जब मर्जी आप लोग देख लो। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ मैं कि आज के टाइम में पार्टी वेयर के अंदर लोगों को सबसे बड़ी जो समस्या है, सैंपल्स भाई ले आओ, तुम सैंपल लाओ पहले। मुझे तुम कुछ इन्फॉर्मेशन मत देने देना किसी को भी, सैंपल्स दिखा लो भाई लोग, ये ना देखते जाओ भाई देखते जाओ, सैंपल्स देखो सर पहले आप लोग एक बार। ये व्यू खत्म, व्यू क्लियर कर देते हैं देन हम लोग स्टाफ हमारा जिसको क्लियर करेगा, जब तक जब तक हम थोड़ा सा प्रोडक्टिव वीडियो वहाँ बनाते हैं कि हम क्या एक बेस्ट बेनिफिट देने वाले हैं। सर ये जो सैंपल मैंने आपको दिखाए हैं जोधपुरी के रहने वाले हैं, तब ये देखो इस तरीके की मैंने आपको वहाँ डिस्प्ले में भी दिखाई दी सब चीज़ें, क्या बात है यार, बहुत ही 1-14 ईयर्स, प्राइस रेंज रहने वाली है 800-1100, टू पीस रहने वाला है बंद गले का। मान के चलिए एक मिनट और हम आपका लेंगे व्यूअर्स का, कि हम लोग जितनी भी हम सुविधाएं अभी तक शुरू से लेकर आखिरी तक बताई हैं उसका एक छोटा सा एक समरी आपको दे देते हैं, ताकि कभी किसी को दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग दिल्ली में रिठाला के अंदर है, रिठाला मेट्रो स्टेशन रोहिणी के अंदर पड़ता है, रोहिणी से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है, रेड लाइन का लास्ट मेट्रो स्टेशन है, कोई कश्मीरी गेट से आ रहा है, गांधीनगर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है डायरेक्ट मेट्रो है। आप मेट्रो से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, किसी और स्टेट से आ रहे हैं, तो हमें बताइए कैसे हम आना है, कैसे गाइड करेंगे हम आपको। उसके अलावा रिठाला मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद 7-8 मिनट का रास्ता मेरे पास रहने वाला है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हम बात करें हमारे पास क्या मिलता है, हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम लोग कोई भी किसी का ट्रेडिंग का काम नहीं करते हैं। हमारे पास किड्स वेयर मिल जाएगा आपको, पार्टी वेयर आइटम 1-14 ईयर्स मिलेगा, जिसमें किड्स में मान के चलिए कोट सूट, इंडो वेस्टर्न, जोधपुरी, ब्लेजर, जो भी पार्टी वेयर आइटम्स सीज़न वाइज सीज़न, ये नहीं कि सर्दियों में गर्मी का माल, गर्मी में सर्दी का माल, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रेडी स्टॉक रहने वाला है, अब जैसे आगे जो प्लानिंग है, कुर्ता पजामा, ब्लेजर्स, इंडो वेस्टर्न्स, अचकंस और लाइट वेट सीक्वेंस वाले पैटर्न्स हो गए, वो सब आगे पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसकी भी बनाएंगे भाई, बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। सबसे दूसरी चीज़ हो गई, उसके बाद हमारा क्या सुविधा है हमारे पास, जो भी यहाँ पार्टी आती है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी भाड़ा है, खर्चा है, वो सब हमारी तरफ से होगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है। अब हम जो 5वां या 6वां पॉइंट जो भी आ गए हैं उसकी हम बात कर लें, जो इस इंडस्ट्री के अंदर, इस लाइन के अंदर, इस दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसको प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, 2 सेकंड का आप समझिए क्या आप लोगों की समस्या है, वो समस्या है या नहीं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। समस्या यही है कि सपोज़ हम लोग बात करें कि ये डिज़ाइन है, आज आप दुकानदार जो माल लेके जाता है वो 1-14 ईयर्स का लेके जाता है, सब और उसके पास 5 नंबर का माल खत्म हो गया, 8 का ख़त्म हो गया, 10 का ख़त्म हो गया, 14 का ख़त्म हो गया, तो सर उसको क्या करना पड़ता है, उस माल को पूरा अगर उसको करना है तो दोबारा जो माल लेना पड़ेगा वो सेट वाइज सेट लेना पड़ेगा हमेशा। बट हमारे यहाँ ये सुविधा एक है, जो भी दुकानदार हमसे काम करते हैं अगर वो कुछ माल साइज़ वाइज साइज़ भी लेना चाहते हैं, सपोज सर आपको, आपकी दुकान है, आपके पास 10 नंबर का माल खत्म हो गया, ठीक है, तो हम आपको 10 नंबर का माल भी दे देंगे। अच्छा, तो आप इसे 8-9-10
सिर्फ 10 भी आप दे दोगे? सर ये जो डिपार्टमेंट है ये सेट बाय सेट का डिपार्टमेंट है पूरा, यहाँ आपको माल सेट बाय सेट मिलेगा। मेरे पास एक डिपार्टमेंट और है जहाँ पे आप लोग साइज वाइज साइज भी माल को डाल सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और हर कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। कोट पैंट में अगर आपको दो चार नंबर का माल चाहिए सिर्फ चार नंबर का ले लो। अच्छा। इंडो वेस्टर्न में तीन नंबर चाहिए तीन नंबर ले लो, मतलब जो आपका सबसे ज्यादा बिकता हो उस साइज का आप माल ले लो। सर इससे बेनिफिट आपको क्या मिला मैं बताता हूँ कि कभी भी आपकी दुकान पे ओवर बाइंग नहीं होगी, डेड स्टॉक नहीं होगा। हाँ, डेड स्टॉक कम होगा, ओवर बाइंग लिमिटेड रहेगी। और आपका कस्टमर हमेशा, आज सपोज मेरे पास एक नंबर के 100 पीस है और दो नंबर का एक भी पीस नहीं है, तो कस्टमर कहेगा कि जी आपकी दुकान पे तो वैरायटी नहीं है। तो हमने उस समस्या का भी समाधान कर दिया है। और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये सुविधा कोई दे रहा है तो मुझे एक बार नाम जरूर बताइएगा उसका मैं भी देखूं जरा कौन इतना हमारे से आगे निकल गया। हम कहते हैं निकलिए, मैं ये नहीं कहता, कंपटीशन नहीं करता ये चीज़ का, बट ये सुविधा आप लोग भी दीजिए अगर आप लोग असली में मैन्युफैक्चरर्स ही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो भाई अभी जब से हम बात कर रहे थे 1 to 10 ईयर्स कैटेगरी की, अब बात करते हैं सर कुछ ना, मतलब जो मेन पर्पज़ है न्यू बॉर्न कैटेगरी के अंदर भी ना वैरायटी बहुत लूज कर रही थी। तो मान के चलिए अभी भी मेरे पास 2-2.5 सैंपल्स ऐसे हैं जो न्यू बॉर्न कैटेगरी के हैं। जैसे हम कोई भी बॉक्स उठाते हैं सपोज, तो उसके अंदर ना तीन पीस का सेट मिलने वाला है। देखिए इस तरीके से तीन पीस का सेट मिलेगा आपको, इसमें साइज रहने वाले हैं 00, 0 and 1। अच्छा, तो तीनों साइज अपने पास अवेलेबल है इसमें। अब 00, 01 की हम बात करें उसका मतलब क्या है, 3 to 6 months, 6 to 9 months, 9 to 12 months। आप इस साइज कैटेगरी के अंदर, तीन साइज कैटेगरी है दोबारा बता देता हूँ, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 months के अंदर, न्यू बॉर्न टू 1 ईयर्स के अंदर मेरे से कोट पैंट भी ले सकते हो। अच्छा, वेस्टकोट सेट भी मिलेगा, इंडो वेस्टर्न भी मिलेंगे। हर एक कैटेगरी आपको न्यू बॉर्न के अंदर भी, जो मैंने आपको बड़ों में दिखाई है वो बच्चों में भी मिलने वाली है। मान के चलिए आप कहीं पे भी और विशाल इधर आके ये सब सर सैंपल्स हैं मेरे पास। इन सब में आपको ये देखो एक बार प्लीज चेक करना प्यारा प्लीज। क्या बात है यार। तो मतलब ये सब चीज़ें जो है ना सर मेरे पास हमेशा पूरे साल भर रेडी स्टॉक रहने वाली है। ये सब सैंपल है सर, जितने सैंपल दिखाऊंगा थक जाऊंगा। ये देखो सर क्या क्या दिखाऊंगा आपको, ये लो। मतलब मान के चलो कि सर वहाँ सैंपल्स हैं 150-200 सैंपल, मैं आपको अभी इन स्टॉक हाथों हाथ भी दिखा सकता हूँ। ये कोई भी डिज़ाइन, कोई डिज़ाइन निकल के करेंगे, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, मैंने बहुत अच्छा माल देख रहा हूँ उसका। अच्छा ये शर्ट का फैब्रिक देख लो, रुमाल देख लो, ब्रोच देख लो, मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हमने ऐसी कोई कैटेगरी नहीं छोड़ी है जो हमारे पास ना हो। शर्ट की मैचिंग देख लो, ब्रॉच की मैचिंग देख लो, कंट्रास्ट देख लो, जो मर्जी देखो सर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस तरीके की पैकिंग के अंदर। और बहुत ही प्यारी प्राइसिंग देखो सर इसको पैकिंग करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि चीज़ें बहुत हैं, सुविधाएं बहुत हैं, माल बहुत हैं। आप लोग आइए, सुविधाएं का लाभ उठाइए और हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट व्यू हम करते हैं भाई, सैंपल बहुत हो गए ऑलरेडी कस्टमर देख देख के। तुम चाहो तो 150-200 सैंपल ही दिखा दोगे तो ये 1 घंटा तो मूवी बन गई है, तो शॉर्ट मूवी बन गई ऐसे लग रहा है। ऐसे हमारे जगह सलमान खान को ले आओ फिर 3 घंटे की पिक्चर ही बना देता हूं। नहीं फिर तो अभी फैक्ट्री का टूर करा देते हैं, छोटा छोटा सा चालू करते हैं तो फैक्ट्री चलता है। तो भाई ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जैसे न्यूबॉर्न का स्टॉक हो गया, ये फैक्ट्री होगी, इसके ऊपर पूरा डिस्प्ले लगा हुआ है, ये सब चीजें हैं। ये भैया ये किस तरह के ये तो पूरा माल है यार, ना ये तो पूरा माल है, माल है। हाँ, ये माल बन रहा है और उधर बन रहा है इस साइड, ये डिस्प्ले है वहाँ पे, माल है पूरा, ये डिजाइन हमारा रह गया भाई देख लो जरा। ये मशीनों पे जो है ये कपड़े यहाँ पे बन रहे हैं, कपड़े आप देख सकते हो ये इस तरह से यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे अंकल आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, कटिंग? तो ये है भाई, देखो मेन चीज क्या है, अपने को ये बताना है कि ये यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे सारी सैंपलिंग हो रही है और भैया पाँव रखने की जगह नहीं है तो वापस इधर से निकल जाते हैं अपन। ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्चुअली ना पूरा अलग अलग रखना पड़ता है कितना स्टॉक किसके अंदर है, क्या है क्या नहीं है। डिजाइन इतने ज्यादा होते हैं कि डिजाइन नंबर की लड़ियाँ खत्म हो जाती हैं, क्या क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, तो ये सब स्टॉक्स हैं। और अब आपको थोड़ा सा हम फैक्ट्री दिखाएंगे। बिल्कुल, फैक्ट्री के अंदर का आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ब्लेजर का यहाँ पे प्रेस वगैरह हो रहा है और यहाँ पे ये प्रेस का है मेनली, यहाँ पे कि आयरन जो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे कटिंग का चल रहा है
पूरा नीचे आप जो भी देख रहे हो यहाँ पे पूरा फैक्ट्री का आप देख सकते हो माल बन के इस तरह से आप ऊपर छत पे जो है इस तरह से ही लगा देते हैं। पूरा कटिंग का यहाँ पे हो रहा है, सैम्पलिंग यहाँ पे आप देख ही सकते हो, कपड़े से लेकर के ब्रांडिंग से लेकर आप कस्टमाइज करवाना चाहते हो तो वो सारे काम भी यहीं पर ही होते हैं। ये हाँ, ये यहाँ पे कटिंग है, सारा कटिंग हो रहा है, जिस पूरा यहाँ पे कटिंग का मैन्युफैक्चरिंग का पूरा यहाँ पे यूनिट आप देख सकते हो, पूरा हैंडलिंग का ऑफिस है, सब यहीं पे हैंडल होता है। तो नीचे जो आप ये बेसमेंट देख रहे हो यहाँ पे मेनली पूरा कैसे बन रहा है, क्या कटिंग हो रहा है, क्या सब कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो सारी चीजें यार गाइस आपको बताई दी है, विकास भाई से मिलवाई दिया है, ट्रेडिंग करनी है आपको, अगर आपको परचेजिंग करनी है जिस तरह से करनी है, ऑथेंटिसिटी दिखा दी कि नीचे अपना फैक्ट्री भी है, सब कुछ इनका खुद का जो इंस्टाग्राम है वो भी आप फॉलो कर सकते हो। सारी डिटेल्स इनके कॉन्टेक्ट नंबर से लेकर के हर एक चीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके रीच कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाकी लव नेचर बी एन एडवेंचर्स।